दुर्गा माँ अपने ससुराल चली और जाते जाते सभी सुहागनों को पति के लंबी आयु के लिए सिंदूर से सराबोर कर गई। मुखर्जी परिवार का सिंदूर खेला तो हर साल देखते बनता है। जरा देखिए रानी मुखर्जी के चेहरे का ये नूर। जहाँ लोगों की नजर यशराज की बहू के कपड़े, गहने और ठाट बाट पर थी, वहीं रानी अपने परिवार के बीच सिंदूर खेला और अड्डेबाजी में व्यस्त थी। उन्हें अपने दोस्त यार, भाई बहन, माँ और भाभी से फुर्सत ही कहाँ थी। शर्वानी मुखर्जी और शुमोना भी एक दूसरे के साथ सिंदूर खेलने में व्यस्त थी। हंसते गाते ढाक बजाते माँ की विदाई की गई इस दुआ के साथ, आश्चे बछोर आबार होबे, यानी अगले साल हम फिर मिलेंगे। जोईता मित्रा सुवर्णा, एबीपी न्यूज, मुंबई। पूजा पाठ और रीति रिवाज से बच्चन परिवार कभी नहीं चूकता। दुर्गा पूजा के मौके पर इस साल भले ही ये परिवार साथ साथ नहीं दिखे, मगर माँ के आगे नतमस्तक होने के लिए ये सभी हमेशा की तरह पहुँचे रामकृष्ण मिशन। मगर गौर करने वाली बात ये थी कि सभी का वक्त अलग अलग था। अष्टमी के दिन अमिताभ बच्चन सुबह सुबह ठीक 8 बजे माँ के दर्शन के लिए पहुँचे और सीधे उन्होंने वहाँ से रुख किया केबीसी के सेट का, जहाँ उनकी शूटिंग चल रही थी। ये थी इनकी वजह, जो कि वाजिब थी। अष्टमी के दिन ही ठीक 11 बजे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन भी रामकृष्ण मिशन पहुँचे। अब बिना पत्नी ऐश्वर्या और बच्चे के अभिषेक के आने की वजह समझ में नहीं आई, शायद वर्क कमिटमेंट्स होंगे। अब आखिर में दशमी के दिन दुर्गा माँ को सिंदूर लगाने की परंपरा होती है, तो यहाँ सुबह सुबह ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या और माँ वृंदा राय के साथ पहुँची। जगह वही रामकृष्ण मिशन और ऐश्वर्या ने सारी रीति रिवाज किए। यहाँ भी देखने वालों में खुशफुस चल रही थी कि ऐश्वर्या के साथ ना ही उनकी सास जया बच्चन थी और ना ही ननद श्वेता। खैर, उनके घर की बात वो ही जाने, मगर बच्चन परिवार की दुर्गा पूजा में श्रद्धा और आस्था हर साल की तरह इस साल भी देखने को मिला।
सोशल मीडिया के सोशा में आमिर खान ने कर दिया है ऐलान। ऐलान किस बात का? दरअसल आमिर ने कहा कि अब थग्स ऑफ हिंदुस्तान बैक सीट लेने वाली है, क्योंकि वो कुछ और करने जा रहे हैं। कुछ और से मेरा मतलब है, आमिर दरअसल आज के बाद अपने होम प्रोडक्शन सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशंस में जुटने वाले हैं। भाई अपना तो अपना ही होता है, तो भला आमिर कैसे पीछे रह सकते हैं। कुणाल खेमू ने एक बार फिर सोशल मीडिया के सोशा का दिया सहारा। अब कुछ ही दिन पहले वो पिता बने हैं। कुणाल और सोहा ने अपनी बेटी का नाम सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंचाया। कुणाल और सोहा ने अपनी बेटी का नाम रखा है इनाया नाओमी खेमू। तो इस छोटी सी इनाया का ग्लैमर की दुनिया में पहला कदम आ ही गया। सोशल मीडिया का सोशा भी कमाल का होता है। अब देखिए ना, अनुष्का शर्मा एक्टिंग के साथ साथ अब एक बिजनेस वुमन भी बनने जा रही हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों से कहा, मेक सम स्पेसेस इन योर वार्डरोब। अब तो आप समझ ही गए होंगे वार्डरोब में आप क्या रखते हैं। तो जल्द ही अनुष्का शर्मा अपनी क्लोथिंग लाइन लेकर आने वाली हैं। तैयार हो जाइए अनुष्का शर्मा के स्टाइल के लिए। किस साल पहले रिलीज हुई और कमल हसन की तमिल और तेलुगु में बनी फिल्म इंडियन का अब जल्द ही सीक्वल बनने का ऐलान हो चुका है। इसका ऐलान तमिल बिग बॉस के सेट पर कमल हसन और डायरेक्टर शंकर की मौजूदगी में किया गया। तमिल बिग बॉस को खुद कमल हसन ही होस्ट कर रहे थे, जिसका हाल ही में फिनाले हुआ है। वैसे पहली इंडियन में बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर ने काम किया था, मगर इंडियन की सीक्वल में कोई हिंदी एक्ट्रेस होगी या नहीं फिलहाल ये पता नहीं चला है। मगर ये जरूर पता चला है कि डायरेक्टर शंकर अपनी आने वाली फिल्म 2.0 रिलीज होने के बाद कमल हसन की इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे। याद दिला दें कि रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी, मगर अब अगले साल फरवरी में रिलीज होगी। वैसे सुना है कि इस फिल्म के लिए हिंदी एक्ट्रेसेस पर काफी रिसर्च चल रही है। मुंबई से रवि जैन की खबर। खबर है कि अब संजय दत्त उमंग कुमार की अगली फिल्म मलंग नहीं करेंगे। संजय दत्त ने भूमि के शूटिंग के दौरान ही इस फिल्म का ऐलान किया था, लेकिन जब भूमि रिलीज हुई तो लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। ऐसे में संजय दत्त ने फैसला किया कि वो उमंग की अगली फिल्म नहीं करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।